मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? एक दूसरे के काम आओ, ये गांधी जी का कहना था। वो सब छोड़िए सर, हमें आपसे एक भैंस बेचना था। क्या बोल रहे हैं सर? कोई ना किया ऐसा इतिहास रचेंगे, हम तो सिर्फ आपसे ही भैंस बेचेंगे। सर आपको अपने नंबर संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो बताइए। भैंस तो मैं आप ही से बेचूंगा और साथ में दूध दुहने वाला बाल्टी भी फ्री दूंगा। सर मैं कस्टमर केयर ऑफिस से बोल रहा हूँ, कोई भैंस के तबेले से नहीं, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे ये ना समझो बंदर है, देख के दीवाने हो जाओगे, हमारी भैंसिया बहुत सुंदर है। सर आपका काम यहाँ पे नहीं होगा, आप बेवजह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं क्या किसी से डरता हूँ, समय ने मुझे बर्बाद किया, मैं समय को बर्बाद करता हूँ। सर आप कहीं और संपर्क कीजिए, यह काम यहाँ नहीं होगा। अरे डरते क्यों हो, सूख जाएगा, थोड़ी ना कोई खेती है, हमारी भैंसिया सुबह शाम 5-5 लीटर दूध देती है। सर हमें भैंस नहीं लेना है। ले लो ना भैंस, हमारा बहुत फायदा पाओगे, रोज सुबह शाम दूध पियोगे और बिना पेट्रोल उस पर चट के घूमने भी जाओगे। सर आप समझ नहीं रहे, हम लोग भैंस नहीं लेते हैं, डायरेक्ट दूध लेते हैं। हूँ मैं देसी, बेवजह नहीं रोता हूँ, और भैंस के साथ पारा भी फ्री मिलेगा, मैं आपको ऑफर देता हूँ। सर आपका ऑफर हमें नहीं चाहिए, क्यों बेवजह दिमाग खराब कर रहे हैं? इसी तरह कॉल और एसएमएस कर कर के हमें पकाया और अकल ठिकाने आ गई जब खुद पे आया। क्या सर आपकी बात हम समझे नहीं। अरे हम भी कोई निकम्मे नहीं, बिजी रहता हूँ, लाइन पे रहो अभी मैं डिटेल में बताता हूँ। इसी तरह फालतू के ऑफर देकर हमें पकाते हो और रोज सुबह शाम कॉल और एसएमएस करके अपना बकवास प्लान बताते हो, और कभी कभी तो भविष्य बताने वाला ऑफर आता है और पता नहीं कैसे कैसे फालतू फालतू भविष्य बताता है। कुछ दिन पहले तुम ही लोगों का ठेका था, जियो ने सबका हिला के रख दिया, तुम लोगों ने क्या अपना भविष्य नहीं देखा था? हूँ मैं बिहारी, पाई पाई का हिसाब रखता हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। क्या रोड पे चूहा था जो देख के डर गए हैं? बताइए सर आप कैसे गिर गए हैं? अरे वो मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। लगता है आपके चश्मे का लेंस बिगड़ गया है, और गाड़ी ससुराल से लिए है, चलाने का ढंग नहीं है और कहते हैं बैलेंस बिगड़ गया। अरे क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, जले पे नमक नहीं पेट्रोल छिड़कता हूँ। अरे क्यों दिमाग खा रहा है यार? बेवजह ढोल बजाया नहीं जाता और दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, खाया नहीं जाता। यहाँ पे चोट लगा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे आप कहे तो फोन घुमाऊ, आपके लिए एम्बुलेंस मंगाऊ। है थोड़ा अजीब, स्क्रैच भी लगा है, ये मोटरसाइकिल तुम्हारा या चोरी करके भागा है? हाँ बोल, चोरी का है, क्या करेगा? मैं क्या किसी से डरता हूँ, 2 मिनट रोक, मैं अभी पुलिस को फोन करता। अरे भाई तू मेरे पे एक एहसान कर, तू यहाँ से चला जा। है जहाँ खड़ा तू, ये गांव मेरा है और तू मुझे जाने के लिए बोला, ये रोड तेरा है। बोलिए क्या बात है? देखिए हम जनगणना के लिए आए हुए हैं, आपसे जो जो पूछा जाएगा इस बारे में बताइएगा। जनगणना चल रहा है, इसके बारे में जो हम आपसे पूछेंगे सब बताइएगा, ठीक है? है फास्ट लाइफ, हर कोई अपना काम कर रहा है,
ये गिरा हुआ इंसान हमारे गांव में क्या कर रहा है? Oh, no. हम जा रहे हैं, लिख देंगे इस गांव में कोई आदमी नहीं रहता है। छोटी उम्र लाखों लोगों का प्यार। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। और वीडियो की तरह इसमें भी प्यार दिखाइएगा। क्या आप ऐसा और वीडियो देखना चाहते हैं? लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। तो जय हिंद।